दूसरे दिन का यानी दू, कि दूसरे टेस्ट के दूसरे रोज का इख्ताम हो चुका है एंड पाकिस्तान की सिचुएशन इस टाइम बड़ी खुशाइन लग रही है इससे पहले कि मैं इस हवाले से, से एक मजीद गुफ्तू करूँ मैं अपनी बड़ी अच्छी सी मैं जो जो हमारी को होस्ट है उनका तारुफ़ कराना चाहता हूँ हमारे साथ मौजूद है जी टेस्ट क्रिकेट की फ़ैन हैं लवर हैं पसंद करती हैं दो हज़ार पाँच के टेस्ट क्रिकेट के रेफरेंसेज देती हैं मैंने ऐसी खातून अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी जो टेस्ट क्रिकेट को इतने शौक से देखती हो ये है जी मिस माहिन शाहौो शाह जी असल श क्या हाल है आपका ठीक ठाक है अल्लाह के शिक्षा मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप कैसी हैं बिल्कुल ठीक अल्लाह

आज सुबह भी हुई कल रात भी होगी कैसे यही होगा कि जी सौ रन और बना ले मैं रिक्प कर देता हूँ फिर मैं रीकाप रीकाप कर देता हूँ सुबह में जी शेबर साहब ने ये बोला था कि अगर दो सौ छप्पन से ये सौ रन भी और बना लेते हैं जिसका क्रेडिट ऑब्बियसली मामद जमाल को देंगे हम नुमान को देंगे जिन्होंने आकर एक अच्छी तगड़ी एक पार्टनरशिप लगाई जिसके बाद हमें ये रन देखने को मिले और उसके बाद पाकिस्तान इनको ढाई सौ के लगभग अगर पकड़ ले या पचहत्तर रन की लीड के अंदर अंदर पकड़ ले तो पाकिस्तान यहाँ से जीत नहीं सकता सिर्फ ये के पिंडी में ये सीरीज अपने नाम कर सकता है जी शहजाद आज एक्चुअली क्रेडिट गोज टू आर टेल एंडर्स टेल एंडर्स ने हमें एक्चुअली आज बचाया है क्योंकि जब हमने सुबह की गेम हमने शुरू की है तो रिजवान और सलमान जिस तरह से खेल रहे थे ओके दे वो कंट्रीब्यूटिंग दे वो प्लेइंग स्लो बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारी उनसे एक्सपेक्टेशंस थी वो उन्होंने आज नहीं की

अब यहाँ विकेट से हम जरा हटते हैं और ये कहते हैं चलो विकेट खराब नहीं यहाँ पर रन स्कोर हो सकते हैं अच्छा तरफ ये आ सकता है जी नहीं विकेट बहुत खराब है तो विकेट तो दोनों के लिए खराब था तो वाई पाकिस्तान इंग्लैंड uh, right as... है hmm. दो सौ रन किए हमने दो सौ रन किए सिक्सटी नाइन में उन्होंने 200 रन किए 40 ओवर्स में तो अब अगर हम ये कहेंगे कि बेहतर टीम इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान टी के बाद उनको ब्रेक थ्रू उनको मिल गया साजिद ले सका तो ये ये एक टाइप में नहीं चला जाएगा कि सिर्फ जो रिस्क लिया था अब अगर नए बॉल के साथ हमारे पास प्रीमियम फास्ट बॉलर नहीं है वहां पर भी तो डिफिकल्टी हो सकती है जी सवाल इतना लंबा एक सवाल हो रहा है अच्छा पहले बताओ कि अगर यहाँ फास्ट बॉलर भी होता तो आई थिंक इसमें से बैन डकड़ की जो सेंचरी ना उसको माइनस कर लेते ठीक है ठीक है और एट द सेम टाइम आई थिंक आई रियली बिलीव दैट यू नो पाकिस्तान अगर कल सुबह आके कोई आधे पौने घंटे में रैप अप करता है चीज़ें लेट्स से मुझे नहीं लगता इतने टर्निंग ट्रैक के ऊपर इतनी देर खड़ा हुआ जा सकता है विदाउट स्कोरिंग ट्रू ट्रू ट्रू

द रीजन माइम मुझे नहीं लगता गोरा पिछले दो सौ साल से को अच्छा खेलता है और खेल भी सकता है जी बट अगेन ये आर्गुमेंट भी करना गलत है कि अगर यहाँ पे टेल अंडर मेन बैटर सारे जो स्कोर ना करते तो अगर अगर टेल अंडर स्कोर ना करते मेन बैटर स्कोर नहीं कर रहे तो क्या मतलब है कि तुम्हें स्पिन खेलना नहीं आती हमारा टेल अंडर पे भी स्पिन खेल लेता है उसने खेली है

ने आगे तीन ऐसे तेज निकालने थे ठग ठग ऊपर नीचे ये वो पैड आ वो करते हुए थे आपकी कम से कम लीड मुझे लगता है 65 -70 है आई थिंक की लीड और इसके बाद पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान ने मैच जीतना या हारना ये डिसाइड खुद करना रन फॉर एटलीस्ट नथिंग

एंड शुएब बशीर वन ऑफ 85, फाइव शुएब बशीर को हमारे प्लेयर्स ने आड़े हाथों लिया इंग्लैंड की बात करते हैं शुरू में आज सुबह की अगर हम विकेट की बात करें तो बॉल बल्ले पे आ रहा था बाउंस भी अच्छा था तो डक इट एक्चुअली टुक एडवांटेज ऑफ एट हंड्रेड एंड फोर्टीन ऑफ हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन इट वॉज रूट विद थर्टी फोर पोप विद ट्वेंटी नाइन एंड कॉली विद ट्वेंटी सेवन ब्रुक्स वेंट बैक इज वेल एंड देन वो साजिद विद फोर ऑफ एटी सिक्स एंड नो मान विद टू ऑफ सेवेंटी फाइव इंग्लैंड ट्रेल जहां मुझे थोड़ी सी एक डिफरेंस नजर आया फील्ड प्लेसमेंट थी उनको पता था exactly आज हमें पाकिस्तान की जब बारी आई ऐसे लग रहा था जी बारह कप्तान खेल रहे हर एक अपनी मर्जी से फील्ड सेट कर रहा था एंड अनफॉर्चुनेटली यू कूडन सी दैट कैप्टी फ्रॉम शान मसूद अगर उनके वो चौके छक्के लग भी रहे थे

किस तरह से बॉल आएगी बैट्समैन उसको किस तरह से खेलेगा अनफॉर्चुनेटली वो आज हमें नहीं नजर आई जहाँ हम ये बड़े चौके वगैरह रोक सकते थे हमें फील्ड के बाहर जो इनर सर्कल है उसके बाहर हमें फील्डर्स नहीं नजर आए दे रनिंग फॉर टू टू स्टॉप स्टॉप द वो वो जो मैंने जिस बात पर के देखे न, वो स्पिनर उन्होंने लगाया उन्होंने शॉर्ट लग खड़ी की है स्लिप खड़ी की है गली भी बीच में खड़ी की है तो फील्डर ऊपर लेने पड़े उनको अब शेब भाई हमें मजीद अच्छा बता सकते हैं कि हमें फील्ड बाहर रखनी चाहिए थी इस मौके पर अंदर रखनी चाहिए थी

Ben Duckett, truly <laughs> playing baseball. Yeah. What do they call it, Bar Bam Army? Or Barmy yeah, Army. Yeah, Barmy Army. Yes. And that's exactly how they play. Yaar. I mean, imagine, kahin left-hander ban jaate, kahin right-hander ban jaatein. Inka bhi pata nahi lgta. Ah. Uh. <laughs> We're literally playing T20 shots. And that's it. That's a hundred from decade fourth century. Jeejo, boy, how could have, how could we have curtailed Panda Ah, nothing like that. Kana? Yeah. Marvelous. I think fabulous things. I mean, अगर देखा जाए यार Panda Kit की innings कर में जिसमें देखा है मैंने, उसने स्वाय fast bowler के जो spinners हैं, उसको सिर्फ ही sweep ही मारी है उसने. जी. उसके बाद और कोई shot नहीं थी. और मोस्टली स्टेप आउट करके भी मारा उसने आई मीन जो बंदा दोनों तरफ खेल सकता हो तो उसके लिए फील्ड सेट करना बड़ी मुश्किल होती अब वो उल्टी भी मार रहा है सीधी भी मार रहा है अब जब उल्टी स्वीप मार रहा है जैसे राइट साइड पर मार रहा है अपने आ, लेफ्ट साइड पर मार रहा है लेफ्ट ही है तो आई मीन लाइक इट्स बिकम्स डिफिकल्ट आई थिंक जितना उसने फील्ड प्लेसिंग सेट की है थोड़ी सी मुझे लगता था कि उसके शॉर्ट्स रोके जा सकते थे He has a point. के रोके जा सकते थे बॉल तो uh, वो खेल नहीं रहा था <laughs> और वो खेलना नहीं चाह रहा था <laughs> so है। उसके पास एक झाड़ू स्वीप। स्वीप। चलाता हाँ। रहे जायज बात थी तो थोड़ी सी क्रिटिकल मिस्टेक हुई है लेकिन वह बहुत अच्छा खेला है वो ये भी भी अगर इंग्लिश मैन इतनी गंदी विकेट के ऊपर इतना अच्छा खेले ये सो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है पिछले जितने हाँ। well. well. कामरान को फिर अच्छी विकेट मिली है इसको बहुत गंदा विकेट मिला और इसने फिर भी जाके साथ एग्जैक्टली दैट्स हाउ इट इज इसी के साथ जहां पे हम बंडेकट की बात करें पाकिस्तानी स्पिनर के ऊपर लेके आना चाहता हूँ आपको जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया mm. में सीरीज खेली अच्छी विकेट्स हासिल की उसके बाद पाकिस्तान आए वापस तो ड्रॉप हो गए अब फाइनली उनको मौका मिला तो आज उन्होंने चार विकेट्स हासिल किए mm. साजिद की बात करें, देखें जरा कैसी कैसी ब्रेक कैसी हो रही है आई आई थिंक थिंक फॉर हुज एक्चुअली देयर ओह माय गॉड लुक एट दैट इस तरफ से गेंद आ रही है दूसरी तरफ से आती तो शेन बोन भी याद आ सकते थे माय गॉड लुक एट दैट या

थिंग इज के इंग्लैंड इट एज एन एक्सपीरियंस इतने गंदे विकेट पर इतना टर्न भी हो सकता है कहाँ खेलने को मिलेगाट है वो सीखता है चलो यार कोई नहीं आने दो ये भी देख लेते हैं इतना गंदे विकेट पर इतना टर्न भी देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा थिंक सो आई थिंक द्यू फॉर दैम

लाइटर रोल नहीं लेते जो फटी विकेट होती है तो हैवी रोल लेते हैं ताकि थोड़ी स्मूदन अप हो जाए चीजें और डस्ट और पार्टिकल्स जो हैं जुड़ जाए आपस में तो हैवी रोल लिया आई थिंक uh, उससे फायदा हुआ बैंडाकट को आमिर जमाल की बॉल ठीक अच्छी बल्ले पे आ रही थी आ रहा था को, और अनइवन को इतना ज्यादा नहीं हो जिससे अन ईवन अगर कहते हो ना तो उसमें यह कि मुझे चार डिसमिसल ऐसे नजर आए जिसमें बॉल बैठ के अब आउट हो जाए तो दैट कंसिडर टू बी अ वेरी क्लोज टू अनप्लेबल विकेट जिसपे आप कहते हैं चार से ज्यादा अगर आउट हो जाए okay. तो वो स्क्रैप हो जाता है टेस्ट मैच ही जैसे एक दिल्ली में हुआ था तो वैसा वो विकेट so, नहीं है टर्न oh, है समथिंग डिफरेंट एक्जैक्टली exactly. और मेरा ख्याल जो शेफ भाई ने बात की उसके अंदर एक और चीज़ यहाँ पे सिर्फ एड ऑन करूँगा ये है कि सात सौ बीस रन बन चुके हैं सोलह विकेट्स गिर चुकी हैं दूसरे दिन का खेल अभी इख्त पे पहुंचा है सो द विकेट हैज लॉट टू प्ले एज वेल मेरा ख्याल है जो शेख भाई ने बात की बॉल आज सुबह में कैरी भी करी थी कल पाकिस्तानी बैटर्स को जरूर डिफिकल्टी हुई थी मैं जरा अब इंग्लिश फॉलो विकेट्स की जानब बढ़ना चाहता हूँ बिकॉज नुमान मान टू एंड साजिद विद यू नो सो दिस इज़ नुमान नुमान वो स्ट्रगलिंग इनिशियली बट देन आफ्टर टू टू गेट अ विकेट

तो वहाँ पैचेस नहीं है तो वहां पे रफर वो जिसे कहते हैं ना वो फुरफरी जमीन जो होती है जो फटी हुई जमीन होती है वहां पे पैचिस बॉल ग्रिप करके फंसता है फरे। तो जैसे कहते हैं तो जो वो जगह है ना वहीं पे ही बॉल करें ना वहां से यहाँ तक बॉल आ जाएगा बैन स्टोक का भी तो आया ना वहां से लेके यहाँ आ गया और खुदा ना खास था यहाँ भी शेन वाहन होता उसने तो बीच में बॉल करना नहीं था उसने तो करना ही राउंड विकेट आना था सज्जे को और खबे को दूर से आना था हाँ हाँ हमारा एक गया था ना आइंस्टाइन उन्होंने कहा हम तो पैड करेंगे उसको उन्होंने पैड किया पीछे से मैंने कहा वो शेन वॉन है मतलब है आम बात नहीं है क्या मतलब समझा हुआ बेस्ट इन हिस्ट्री है उनका मैं ऐसे लात मार दूंगा इतना रिलैक्स कर थैंक यू सर थैंक यू सो मच भाई हम खबा दिनों एक यहाँ पे हमारे पास भी एक बीच में छोटा सा पैच है उसको कवर करना चाहते हैं गोइंग फॉर ए ब्रेक इंग्लैंड ट्रेल्स पर हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन फॉर द लॉस ऑफ सिक्स विकेट्स दूसरे दिन का खेल का अख्ताम हो चुका है वापस आते हैं जरा हमारे टेल इंडर्स की बात करते हैं आमिर जमाल बॉल पर आज सुबह में जो बैट के साथ किया आई थिंक वी नीड टू स्पीक अबाउट इट के वन ए डों विल बी बैक जाने से पहले हम बात करे थे मैच पे इन डिटेल अब हम बात करते थोड़ी सी आमिर जमाल की हमारे टेल एंडर्स की अगर आज हमारे टेल एंडर्स ने वो क्रूशल रन बोर्ड पर ना लगाए होते तो थोड़ी सीचुएशन डिफरेंट हो सकती थी कल जब हमने बात की हमने कहा कि जी इस पिच पे विकेट रन बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा बट आर टेल एंडर्स प्रूव

उसके लिए ये जो इनकी कोशिश थी बड़ी खुशाइन थी एंड द वे दैट ही प्लेड इट लुक लाइक एज इफ यार ये ही इज गॉट ऑल द एबिलिटीज ऑफ बीइंग ऑल ऑलराउंडर सो आई थिंक शेब ये देखें स्वीप्स yeah. भी खेले हैं उन्होंने हमने शेब बशीर को अड़े हाथे लिया फिर यहां पे हैपी वन ऑफ आवर्स वुड लव टू पुट इट या सो आई थिंक द वे दैट हीज कंट्रीब्यूटेड आखिर में जो लास्ट विकेट पार्टनरशिप थी वो भी कम अज़ कम, कम 30 40 रनस yes. की थी एंड इंग्लैंड स्ट्रगल टू टेक दैट विकेट द नोमान वेंट फॉर अ वरना पाकिस्तान के लिए भी डिफिकल्टी हो जाती है कर दी है हाउ डू यू सी इट वी इट फॉर द फ्यूचर फॉर आमिर जमाल अगर ये अच्छे नंबर पर बैटिंग करें यू कैन एक्स प्लेस आपके सुन लो برمट्रक यार आपका पॉज इतना बड़ा होता है इंटरप्ट ना करो सोचने भी दिया करो ना <laughs> अच्छा ठीक है जी अपना आई थिंक uh, uh, मुझे ये लगा है कि ये हादसेार्थी ऑलराउंडर है okay. जिनको ऐसे बॉलिंग ऑलराउंडर लाया गया mm -hmm. ये बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है बैटिंग ऑलराउंडर आई मीन ही इज प्रूवन टू बी अ बैटिंग ऑलराउंडर दधाना बॉलिंग ऑलराउंडर इसको ऐसे बॉल इंट्रोड्यूस किया गया था जी इसने कुछ अरसा पहले बैटिंग से भी वो किया था पचास किया था सौ किया था क्या किया था उसने शायद किस तरह ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में अगेंस्ट ना किया था वेरी वेरी गुड बैट्समैन एंड आई रियली थिंक इसको टाइम दिया जाए क्रीज के ऊपर यू कैन बी अ वेरी कम्स टू बैटिंग एग्जैक्टली एंड अगर इसको अच्छे नंबरों पर टाइम दे दिया जाए तो मेरा ये ख्याल है कि अगर जहाँ भी पचास साठ कर रहे थे मुश्किल विकेट पर जिसका जो जिसके जितना इसको शौक है ना बैटिंग का मुझे लगता है इसके लिए सो बनाना भी मुश्किल काम नहीं है ए दैट यू नो एज सेंसबल सेकेंडली हैज शॉर्ट्स अराउंड एवरीवेयर पोलन हुक कर लेता है कट मार लेता है उल्टी स्वीप भी मार लेता है विच इज आई बैटिंग बट यू नो टाइम्स यू नेसेसरी होता है जब फील्ड प्लेसिंग फंसा लेते हो वुड वुडी वी लाइक अ वेरी गुड कमोडिटी फॉर टी ट्वेंटी क्रिकेट नो ई शुड भी ई शुड बी थिंकिंग अबाउट ऑल फॉर्मैट्स एंड द टी ट्वेंटी जो है ना वो बाय प्रोडक्ट होगी इसकी एबिलिटी का क्योंकि ही देती चार बॉल चार ओवर कर सकता है सेकेंडली ई कैन बैट थर्डली दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ही कैन हिट अ लॉन्ग वे सो आई थिंक एक्सीडेंटली हमें एक बैटिंग ऑलऑर्डर मिला है इन ए शेप ऑफ बॉलिंग में

क्योंकि स्ट्रेंथन किया देखिए लंबी कर दी बैटिंग अगर आमिर जमाल की हम यहाँ पे बात करें इस कंट्रीब्यूशन की सो बेसिक व्हाट दे डिड वाज के सलमान अली आगा के बाद जब हमारे पास कोई बैटर मौजूद नहीं था तो आमिर जमाल की शक्ल में अब हमारे पास हमारी बैटिंग और स्ट्रेंथन होते नज़र hmm. आती है नीचे से और टेस्ट क्रिकेट की बात करें अगर दूसरी साइड से इनको को पार्टनरशिप अच्छी मिल जाए तो वाई नॉट मेरे ख्याल में ये सेंचुरी भी स्कोर कर सकते हैं इज गॉट ऑल नहीं आई थिंक पार्टनरशिप की बात नहीं अगर नंबर अच्छा मिल जाए ऊपर सो आई थिंक ये आया है कितने नंबर पे आया सातवें पे सातवें पे, पे है ना ठीक एक करो पांच पे आता एक बात करो छठे पे आता एक बात कर रहा हूं सो दैट ही इज एक्चुअली थ्रेटनिंग वन ऑफ द प्लेसेस ऑफ द लॉर्ड मिड ऑर्डर सो आई थिंक वो जहां पे हम कभी-कभी ये डिसाइड करते हैं कि यार सिचुएशन डिफिकल्ट है किस बैटर को hmm. भेजना है तो आमिर जमाल ऊपर जा सकते हैं इस तरह की सिचुएशन में हमारे लिए हैंडी हो सकता है सो आई थिंक नहीं नहीं ये करेगा टॉप ऑफ टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करेगा सलमान से ऊपर ये इसको ट्राई करेंगे पहले टी20 में टॉप ऑफ द ऑर्डर और फिर वनडे में ट्राई करेंगे टॉप ऑफ द द ऑर्डर एंड देन यू नो इफ इफ टाइम इज और इफ़ यू लाइक लाए फोर विकेट्स इन हैंड और फाइव विकेट्स इन हैंड जब इसको मौका मिल गया तो ये अच्छा लंबा चौड़ा स्कोर भी कर देगा यू नो एज एबिलिटी टू स्टे ऑन यू नो दैट इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट हिम हिम एंड कामरान गुलाम एबिलिटी इज ही पश्तून ईल्सो अमर जमाल ये भी है जवाली पश्तून है बस बस ठीक है तो सारे पठान इकट्ठे हो जाएंगे तो इंग्लैंड का चांस ही नहीं पर माता यू नो अगेन यू नो मैं बार कल भी ये कह रहा था आपको पश्तून इज नॉट अ नेशन इज अ अड सेट और माइंड सेट देखो खेल में नजर आ रहा है दो बंदे जुड़ गए इनको इंग्लैंड को एक ऊपर से जुड़ गया कामरान नाम जुड़ गया एक नीचे से वो जुड़ गया अच्छा तीसरा जो ठीक है ओके स्पिनर वही पठान है जायद तो देखो तीन पठान उनको जुड़ गए हैं और टेस्ट मैच पारक होने वाला है So, <laughs> अगर कल पाकिस्तान से, पाकिस्तान अगर इनको दे के अच्छा बार्गेन कर लेता है विकटे का चार विकेट ले लेता है एक बात कर मेरी विशफुल थिंकिंग है मुझे लगता है साठ रन की लीड होगी पचास रन की लीड होगीव दैटी यू नो द वे दैट ही इज परफॉर्मड इज इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी बट चलो ही हैज अ बट एटीट्यूड लाइक उन्होंने वही किया तो बस किया उसने वही कहा मैंने वही किया जहां पे आपने जाहिद का जिक्र किया मेरे ख्याल आज उनकी मैं बॉलिंग जब देख रहा था मुझे लगा कि जाहिद थोड़ा शॉर्टर करा रहे थे शायद जाहिद के पास ऑब्वियसली इतना एक्सपीरियंस नहीं शायद है शायद टेस्ट का लेकिन हां टेस्ट की लेंथ फर्क है टेस्ट की लेंथ और लूप के साथ आगे है इनविटेशन है इनवाइटिंग होता है इनविटेशन ऑफ द जो जो लूप ऑफ जो लूप की मैंने देखा है एक तो ये वाला एक ये वाला है एक स्लाइडर देख. वाला है तो एक्चुअली इसके लिए थोड़ा सा करने पड़ते हैं तीस चालीस ओवर करना पड़ता है एक टेस्ट मैच में आई रियली थिंक दैट यू नो उसको खिलाना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया के बाद उसको चांस पूरा देना चाहिए था और बट अब यहाँ को चांस मिला है अच्छी विकेट में मिला है जहाँ पर स्पिन बहुत हो रहा है इतने ज़्यादा वो रिस्टी नहीं है जिसकी वजह से आप कहें कि शार्प टर्म उनकी रिस्ट से निकलता है नहीं विकेट से मिला है शार्प टर्म

उनकी वो इनिंग्स हमें बहुत भारी पड़ी थी यहां मुझे लगता है आज जब मैंने उनकी बैटिंग देखी मुझे लगा अगर उनकी जगह ये लोग बाबर को रिटेन कर लेते और टीम को मच मच बेटर यही मैंने कहा था गलती करते हो गुस्सा निकालने का यह तरीका नहीं है गुस्सा निकालने का तरीका कुछ और होता है ठीक है मुझे भी 2005 में ड्रॉप कर दिया था मुझे भी दो दिन पहले इनविटेशन आया था कि आप इंग्लैंड के खिलाफ खेल लें मेहरबानी कर लें हम आपको रख लेते हैं

Once you have someone like barber, <coughs> आप काम लेते बेश माहौल थोड़ा टेंस कर देते <coughs> तो बातचीत खत्म कर देते make him know, Listen, इस तरह नहीं चलेगा भाईजान ब्रांड वैंड ये वो आप उधर छोड़ें इधर आपको परफॉर्म करना पड़ेर पीपल <coughs> ये तरीका नहीं था उनकी बेस्ती करने का ये वो तरीका नहीं था उनको जलील करने का ठीक है करो मैं ये नहीं कहता ना करो करो आप डिस्क्रिप्शन है नहीं यार आपको अगर ताकत दी है तो फिर आपने गलत सही जो है आपने करो मैं इसका मुखालब नहीं होता कभी भी जो आपके अंदर जो है वो आप करो तक पता चले ना आपके अंदर है क्या लेकिन अगर मैं होता तो बाबर को रिटेन करता मैं स्ट्रेंथन करता मैं अपना मुंह बना के रखता बाईजान सॉरी नथिंग डूइंग चिंग शिंग हो तो रंज करके दो मुझे बिल्कुल सिंपल बात ना करता मैं और कोई बात ना करता यार जाओ अंदर मुझे रंज करके दो मुझे नहीं पता ठीक है ना तो और इस सिचुएशन में मुझे तुम ये बता के दो कि यार हाँ तो यू आर बेस्ट प्लेयर इन द पाकिस्तान प्रूव इट ऑन द वर्स्ट ट्रैक दैट्स ट्रू इट्स वेरी सिंपल एज आंसर विद योर बैट जी और नहीं कर सकते ठीक है तीसरे टेस्ट मैच में भी ठीक है आप मैंने मैं आपको माहिन बता रहा हूँ ड्रेसिंग रूम में जब मुझसे या किसी से या सकलैन से, से किसी से आउट नहीं होते थे उससे एक हफ्ता बात नहीं होती थी उससे

अब छः बजे के बाद सुबह छः बजे से लेके शाम छह बजे तक जिन लड़कों के साथ ग्राउंड में भी हो तो मुझे लगता है शाम छः बजे से लेके बारह बजे तक भी उनके साथ हूं। क्यों <laughs> 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 but, but क्यों मर्जी मर्जी है है नहीं बिल्कुल सही बात <laughs> अगले पच्चीस साल उन्हीं के साथ गुजारने दूसरे <laughs> बंदे भी मिलने <laughs> बाहर भी इटालियन <laughs>

हाउ डू यू सी पाकिस्तान सुबह आता है अभी हमारे हाथ में पुराना बॉल है छप्पन ओवर्स हम करा चुके हैं यही तीस बत्तीस ओवर है जिसे मैनेज करना है नई बॉल के साथ हमारे पास ऐसा प्रीमियम पेसर नहीं है क्या मैनेज कर सकें अगले पच्चीस क्या बात है ये बड़ी स्टेटमेंट आ गई है आ, अगले पच्चीस ओवर में पाकिस्तान टेस्ट टेस्ट सीरीज जीत सकता कल सुबह आए इनको अच्छा अच्छी बाग है इनके साथ हमें उनको स्मॉल मार्जिन के साथ उनको बीस पच्चीस दे के इवन पचास मैं तो कहूंगा साठ रन की आपके पास मार्जिन है ज्यादा नहीं देने क्योंकि विकेट में शॉट्स ऑन नहीं है जी शॉर्ट लग नहीं रहा बनाना पड़ता है शॉर्ट तो मैं ये चाहूंगा स्पिनर से यार कि इनको यार थोड़ा चलो चीपली आउट कर लेते हैं और पचहत्तर uh, रन की भी लीड मिल जाए सेवेंटी फाइव की भी लीड मिल जाए एंड ये दो सौ ठीक है भाईजन इधर 300 नहीं होता इधर 250 भी नहीं होता इधर 200 दो दो तो भी नहीं होता आई थिंक सो I think अगर ये होते सूरत हाल तो पाकिस्तान इज विनिंग टेस्ट मैचेस विद ऑल द क्रिटिसिज्म एंड एवरीथिंग फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच इन द फर्स्ट टेस्ट मैच एंड एवरीथिंग पाकिस्तान स्टिल हैस अ चांस टू विन द सीरीज Pakistan still has a chance to win this series you know says Mr Shoaib Akhtar thank you so much Shoaib akhtar for being with us lovely to be in conversation with you thank you so much my for being a wonderful co-host and for everybody who's out there kamatinoza with this obviously i'm bade, uh, reassured the kind of performance that pakistan has given inshallah subah aap se hogi 8:30 please make sure that you stay tuned to PDP sports kal jo hai inshallah icc womens t20 world cup ka semi final hoga we'll bring you all the action ladies and gentlemen until next time look after yourselves फी मान अल्लाह पमान अल्लाह हाफिज है के है